जी प्रणाम। प्रदीप नवमी कोटा राजस्थान से जी। जब से शक्तिपात हुआ है तब से गहरा ध्यान लगने लगा है और आज्ञा चक्र पे बहुत नीला प्रकाश सा तेज नजर आया है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम शुभजीत पाल है, मैं मालदा से आया हूँ जी। आपने शक्तिपात के बाद कुंडली की अनुभूति थोड़ा और उग्र महसूस हो रहा है और ध्यान भी और पहले से और भी अच्छा लग रहा है। और अभी तो मैंने यहाँ तो छोटे छोटे अनुभव आए, लेकिन एक अनुभव मैं पहले की है एक बताना चाहता, बताऊँ क्या जी? मैं हल्की मैंने अंतरिक्ष में एक मैंने आसपास मैंने खाली जगह था तो वहीं पे कहीं पे बैठा हुआ था, ठीक है। तो अचानक क्या हुआ, मैं मैंने एक गोलाकार बड़ी जैसी चीज थी तो उसके तरफ मैंने जाता रहा, मैंने उसके तरफ खींचता हुआ चला गया। तो मैं अचानक सोचने लगा क्या हो रहा है। तो जब मैं गोलाकार चीज़ के पास आ गया तो मुझे अचानक ध्यान में आया कि समय क्या हो रहा है। तो समय क्या हो रहा है ये सोचते ही मेरे सामने एक डेट प्रकट हो गई। जो डेट प्रकट हो गई वो मेरे डेट जन्म की पहले की डेट है। तो उसी समय कुछ मैंने लोग मैंने दिखने लगे थे, बस उसी समय अनुभव खत्म हो गया जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम लवलीन सिंह है, मैं दिल्ली द्वारका से आया हूँ और आपके आशीर्वाद से ये पहली बार शिविर अटेंड किया है। मेरा अनुभव परसों हुआ था, जो सुबह जो ओम शक्ति मंत्र का जो आपने पाठ करवाया था, तो उस समय पाठ करने के साथ साथ ध्यान में जाने का प्रयास किया था तो उसमें जो काला काला हमेशा दिखता था वो उसमें बीच में नीले रंग का और बैंगनी रंग का सर्किल आया और वो सर्किल बड़ा होता गया और उसके बीच में से स्पेस हटता गया और उसमें फिर वो माता शक्ति का अनुभव कर रहा था कि बहुत बड़ा पैर उनका था जो उन्होंने पैर में पाजेब एक पहन रखा था और नीले रंग की साड़ी और उसके किनारे पे गोल्डन को वो था और गोल्डन रंग के उनके फूल भी बने हुए थे और आकाश में ऐसा लग रहा था जैसे सूर्योदय से एक घंटा पहले होता है, हल्का नीला सा और प्रकाश आ रहा होता है, पक्षी उड़ रहे होते हैं, ऐसा फील हो रहा था। अद्भुत आनंद लग रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि ये कभी हटे ही नहीं, हमेशा इसी स्थिति में रहें। ये तो अनुभव था परसों का। और दूसरा, गुरुजी कल जब शक्तिपात आपने किया था तो जब आप मेरे पास शक्तिपात के लिए आ भी नहीं पाए थे जी, बोलिए। नज़दीक आते ही मेरे सारे चक्रास फड़कने लगे तेजी से और सांस बहुत तेजी से चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि मेरी जन्मों की तपस्या से प्रसन्न होकर के मेरे गुरुदेव सब साक्षात प्रकट होकर के मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जब आपने गुरुजी मेरे सिर पे हाथ रखा तो पूरे शरीर में दिव्य प्रकाश फैल गया और मेरे मूलाधार में गर्मी महसूस हुई। उसके बाद जब आपने मेरी मस्तक पे तीसरे नेत्र पे या जो भी है उस पे आपने जब अंगूठे से उसको प्रेस किया तो बिजली की तरह से एक पूरे दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैला और पूरे शरीर के अंदर कंपन शुरू हो गए। इतना तेज़ कंपन था कि मेरे सारे अंग भी अंदर के हिल गए, हार्ट वार्ट भी सारे हिलते हुए महसूस होने लगे और काफ़ी देर तक मैं उस स्थिति से संयमित होने में काफ़ी टाइम लगा। ये मेरी अनुभूति थी गुरुदेव जी। धन्यवाद गुरुदेव। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.